सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज का एपिसोड देख के आपको लगेगा कि खुशियां वापस आ गई हैं, सम्राट वापस आ गया है, पूरी फैमिली बहुत खुश है। जहां सम्राट गुम हो गया था उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी, इन सारी चीज़ों को लेके जहां एक अलग दुख का माहौल पूरे चव्हाण खानदान में फैला हुआ था, लेकिन आज आपको लगेगा कि यहाँ पर सम्राट वापस आ गया है और सबकी खुशियाँ वापस आ गई हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल सम्राट जो यहाँ पर आया है, सबसे मिलता है, बातें करता है, मस्ती करता है, दरअसल वो बड़ी मामी का सपना है। वो यहाँ पर देखती हैं क्योंकि यहाँ पर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, किसी से खाना नहीं खाया जाता, सबको सम्राट की याद आ रही है। और आज जो डिश बनी है यहाँ, सब कुछ जो बना हुआ है वो सब कुछ सम्राट की पसंद का है। ऐसे में सभी को सम्राट की और भी ज़्यादा याद आती है। बड़ी मामी यहाँ पर उसे याद करती हैं, ऐसा लगता है जैसे वो आ गया है, सबसे बातें कर रहा है, बड़ी मामी के साथ मस्ती कर रहा है, लेकिन दरअसल ये बड़ी मामी का सपना होता है। वहीं दूसरी तरफ हो रहा है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल साईं के पिता की इस एपिसोड में मौत हो जाएगी। आप देखेंगे साईं जत्ताप यहाँ पकड़ा तो जाता है और उसे पकड़ता है हमारा विराट। विराट जत्ताप को पकड़ तो लेता है, लेकिन जत्ताप के गुंडे और जत्ताप इस बात से बहुत नाराज़ होते हैं और वो साईं के पिता को गोली मारते हैं। दरअसल वो गोली मारते हैं विराट को, लेकिन बीच में सई के पिता आ जाते हैं। यहाँ पर जत्ताप जब गोली चला रहा होता है विराट पर, तो सई के पिता आबा यहाँ बीच में आकर विराट को बचा लेते हैं और मरते मरते विराट को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देकर जाते हैं सई की। सई को लगता है कि मेरे पिता की मौत का सबसे बड़ा कारण सिर्फ विराट है, क्योंकि विराट को बचाने के लिए ही वो बीच में आए, और विराट जल्द ही सई से शादी करेगा। देखना यह है कि क्या सच में सम्राट वापस आएगा।